आप देख रहे हैं खबरों का नया पैमाना, भोजपुर का अपना चैनल भोजपुर की आवाज। औद्योगिक शहर में खूनी हुआ चुनावी रंग, दो भाजपा कार्यकर्ताओं के सिर फूटे। क्षेत्रीय विधायक ने कांग्रेस नेताओं पर लगाए गंभीर आरोप, कहा हमारे सब्र का इम्तिहान न ले कांग्रेस के बाहुबली। शहर में रविवार को वार्ड 7 में भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। आपस में हुई इस झड़प में दो भाजपा कार्यकर्ताओं के सिर फूट गए। आरोपियों पर शीघ्र कार्यवाही और गिरफ्तारी के लिए 2 घंटे तक क्षेत्रीय विधायक सुरेंद्र पटवा, भोपाल नगर निगम के पूर्व अध्यक्ष सुरजीत सिंह चौहान कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस थाने में बैठे रहे। इस संबंध में नेता द्वय ने कांग्रेस नेताओं पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, थाने पहुंचे हैं और विधायक जी भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता हैं, वो वार्ड नंबर 12 के जनसंपर्क कार्यक्रम में सम्मिलित थे और उस जनसंपर्क कार्यक्रम के बाद उनके साथ एक घटना घटित हुई जिसमें दोनों के सर टूट गए हैं और एक को 9 टा के आए, एक को 7 टा के आए। और इस प्रकार की घटना जो हुई है उसके पीछे जो है कांग्रेस के नेताओं का हाथ है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हाथ है। आज यहाँ पर मंडीदीप में विशेष रूप से चुनाव जरूर हो रहा है लेकिन शर्मसार करने वाली एक घटना घटित हुई है। किसी की जान चली जाती इस बात का कहीं कोई चिंता किसी को नहीं थी। बद्री सिंह चौहान, शिव चौहान और इसी प्रकार के जो अन्य कांग्रेस के लोग हैं उनकी सह के ऊपर एक कांग्रेस के कार्यकर्ता ने ये हमला किया है, बहुत निंदनीय है। और जब घटना इतनी बड़ी घटित हुई तो मैं स्वयं यहाँ आ गया और आज सबसे बड़ी बात तो मैंने देखा कि ऐसा कभी नहीं देखा मैंने कि कोई विधायक किसी थाने में पहुँचे हों, लेकिन मैंने जैसे ही भाई साहब को बताया भाई साहब तत्काल यहाँ पर आए और उन्होंने तुरंत ही इस बात की चिंता की कि हमारे जो कार्यकर्ताओं को चोट लगी है उसका इलाज विलाज सब बेहतर हो जाए और जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करने की हमने मांग की थी। आरोपी गिरफ्तार भी हो गए हैं और धारा 307 के साथ उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, यही हमारी मांग है। क्या वजह है कि आप लोगों को थाने आना पड़ा आज? मैंने बताया ना कार्यकर्ता के लिए हम थाने भी जा सकते हैं कहीं भी जा सकते हैं। देखिए हमारा अधिकार है, थाने में जनसुनवाई होती है। मिथिलेश जी क्या अधिकार है? हमारा ये अधिकार है कि हमारे अगर जनता को, हमारे कार्यकर्ताओं को अगर कांग्रेस के बाहुबली लोग पीट रहे हैं, खुलेआम दारू बेच रहे हैं, खुलेआम धमका रहे हैं, ये अधिकार है हमारा थाने में आने का। और मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से सभी हमारे कांग्रेस के बंधुओं को, हम वो लोग हैं, वो पार्टी है जो शांतिपूर्ण चुनाव चाहती है और शांतिपूर्ण चुनाव अगर नहीं होगा तो ये बात बहुत दूर तक जाएगी। लगातार ये क्षेत्र स्वर्गीय पटवा जी का रहा है, शिवराज जी का रहा है, सुषमा जी का रहा है, हम लोग लगातार बहुत सारे चुनाव यहाँ लड़ चुके हैं लेकिन आज तक हमारी तरफ से पिछले 40 सालों में किसी भी तरह का गलत वातावरण नहीं बना है। मैं आपके माध्यम से हमारे सभी भोजपुर के परिवार के सदस्यों से, चाहे वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हों या कांग्रेस के बाहुबली लोग हों, उनसे भी कहना चाहता हूँ सब्र का इम्तिहान मत लो। कुल मिलाकर एक भाईचारा होता है, एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में चुनाव होना चाहिए। बौखलाकर वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 9, वार्ड नंबर 11, वार्ड नंबर 20, वार्ड नंबर 18 लगातार हमारे कार्यकर्ताओं की शिकायतें आ रही हैं, पोस्टर फाड़े जा रहे हैं। एक लिमिट होती है हर चीज़ की और मैं चाहता हूँ कि मंडीदीप वैसे भी शांतिप्रिय क्षेत्र है, आप सब लोगों से भी मेरा ये अनुरोध है कि आप लोग भी शांतिपूर्ण माहौल बनाने में जितनी भी मदद आप कर सकते हैं, चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए। जैसा कि अभी सुजीत चौहान जी ने बताया, इनका मेरे पास फोन आया, मैं तुरंत यहाँ पर आया और जब मैंने देखा कि वास्तव में घटना बहुत बड़ी है और कुल मिलाकर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर किस बात का रोष है। या तो वो सोच रहे हैं कि चुनाव हार गए। देखिए चुनाव हारना जीतना एक अलग बात है लेकिन लगातार इस जीवन में हमेशा परिवार के सदस्य जैसा रहना चाहिए। मैं स्वयं कहना चाहूँगा हमारे सभी कार्यकर्ता आज भी संयम कर रह रहे हैं। कुल मिलाकर जो बाहुबली लोग हैं और जिस प्रकार से पूरे मंडीदीप नगर में जो आतंक मचा रखा है, जो गुंडागर्दी कर रखी है और जो 5 साल नगरपालिका के विकास नहीं करने के बाद आज उनको चिंता हो रही है कि हमारे पास से हमारी नगरपालिका जा रही है, मैं कहना चाहूँगा, अनुरोध करना चाहूँगा
कि ये सब नहीं होना चाहिए। अगर आप ये करेंगे तो आगे फिर और बात बढ़ती है। हमारे कार्यकर्ता भी संयमित है, आपके कार्यकर्ता भी संयमित रहे।